जय जवान। तू क्या ओवर स्मार्ट बन रहा है? कहाँ जा रहा है तू? बताना सबको, तेरे दो अटेम्प्ट और है अभी, बताना सबको। झूठ क्या बोल रहा है तू? वो ये क्यों कर रहा है? तू नाटक क्या कर रहा है यार? अरे नाटक क्या यार, चेयरअप। ये चेयरअप है, चेयरअप कर रहा है तू, मजाक उड़ा रहा है तू। खेती करूंगा मैं, तू खुद करेगा साले खेती? साले कोटा का एहसान मान के तेरे चांस मिल रहा है, वरना तू डिजर्व भी नहीं करता। सुना, तू डिजर्व नहीं करता। सुना, ये और पास होकर बोलूं पहले। आपको पता है मुझे क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सैटेलाइट की तरह हूं जो रॉकेट की फोर्स से स्पेस में अपना ऑर्बिट तो पा लिया, लेकिन रॉकेट की अहमियत को भूल गया, उसे कहीं पीछे छोड़ा है। बस अपनी ऑर्बिट में गोल गोल अकेला घूमता रहता हूं। दुनिया के काम तो आ रहा हूं, पर एक दूरी में फंस गया हूं। सैटेलाइट तो फिर भी मशीन है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ह्यूमन प्यार, रिश्ते, दोस्ती के फोर्स के बिना ना दूरी पे घूमता हुआ डायरेक्शनलेस है। हम बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि हम देश के काम तो आ रहे हैं, पर आप पर गर्व करने वाला कोई नहीं। लोग तारीफ करते हैं, तालियां पीटते हैं, गालियां देते हैं, अंदर से एकदम खाली, जीरो। कोई साथ में हंसने रोने वाला कोई नहीं होता। सो वाज माय रॉकेट, लॉस्ट हर टू अचीव माय हाइट्स। ओए पागल है क्या साले, तुझे कब से होने लग गई एंग्जाइटी? ये तो मेरा काम है। पापा को कॉल आया था यार, बोले थे नहीं होगा तो क्या करोगे? तो फिर हर बार क्या बोलता है? गुस्सा होने का नाटक करता हूं, सोचना ही क्यों कि नहीं होगा। इस बार क्या हो गया? बोले सोचना पड़ेगा। लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं हुआ तो कुछ तो करोगे ना? प्लान भी नहीं है यार मेरे पास। तेरा सही है, नहीं हुआ तो जॉब कर लेगा, उसके पापा का फैक्ट्री है, मेरा क्या है? प्लान भी होना चाहिए भाई, अभिलाष बहुत जरूरी है। तो नाच, अब नाच, नाच, ये ना नाच। अरे हट ला यार, सॉरी बोल दिया ना तेरे को। अब वो घटिया है तो तू कम घटिया है क्या? 6 साल से वो मिलने नहीं आया, तू तो रोज कॉल कर रहा था ना मुझको। शादी से 10 दिन पहले आके बोल रहा है मेरा शादी हो रहा है, वो साला बिना शकल दिखाए चला गया। तुझे अपना पड़ा है, उसको अपना पड़ा है, मेरा क्या भाई? ये दिल चाहता है चल रही है, मैं सैफ अली खान हूं ना, है? तू भी फट्टू है, वो भी फट्टू है, और तुम दोनों सच का सामना नहीं कर सकते हो। इतना मोटा ए, लेकिन बात सही है यार, तो गर्लफ्रेंड का हो गया तो बॉयफ्रेंड का नहीं हो रहा है, बॉयफ्रेंड का हो गया तो फिर गर्लफ्रेंड का नहीं हो रहा है, और दोनों का हो गया तो एक IAS एक IFS बन गया। अगर गलती से दोनों IAS भी बन गए तो कैडर अलग अलग है, यहाँ का रिलेशनशिप यहीं रह जाता है।
याद है मैंने वो सपना देखा था? हाँ, मैंने उसमें देखा था कि हम दोनों ही लिम्स में फेल हो गए। मुझे लगा इट वाज अ हैप्पी ड्रीम। हाँ, इट वाज। तभी एक बात मुझे भी तब से बहुत अपसेट कर रही है। मैं समझी नहीं। देखिए, बचपन में जब टॉम एंड जेरी आता था तुम किसकी साइड लेती? जेरी। चलिया, मी टू। आई थिंक एवरीबॉडी डिड। तुमको पता है जेरी क्यों हर बार जीतता था और टॉम हर बार हारता था? क्योंकि टॉम ना ये लड़ाई सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए लड़ रहा था, पर जेरी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। जेरी के लिए देयर वाज नो प्लान बी। तुमने अपने बॉस को मना कर दिया है? But then I realized कि उस दिन सपने में मैं खुश इसलिए नहीं था because I still had a job. मैं खुश था because I still had you. कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पे हर एस्पिरेंट को ये पता है कि जो राजेंद्र नगर के जो रिलेशनशिप्स हैं, जो भी हैं, ये यहीं छूट जाते हैं और हम साथ रह सकते हैं कि बोथ फेल नहीं। डू यू रियली थिंक आई एम इन योर प्लान बी? मुझे बस ये पता है कि 23 दिन बाद वो मेरे लिए एग्जामिनेशन हॉल में अंदर जाना भी इम्पॉसिबल होगा, अगर यू नो नोइंग कि अगर मैं एग्ज़ाम पास करूँ तो दैट वुड मीन इवेंचुअली लूजिंग यू। सो यू आर राइट, इस डिसीजन पे 1% डाउट भी मुझको बहुत भारी पड़ सकता है।
तुम्हें लगता है तुम ठीक कर रहे हो? नहीं, मुझे नहीं पता ये ठीक है या ये गलत है। मुझको बस लगता है ये जरूरी है।